तारीख में अगर देखा जाए तो कई बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे होंगे, लेकिन अगर लेफ्ट आर्म बॉलिंग में देखा जाए तो वसीम अकरम से बेहतर मेरी नजर में शायद ही कोई बॉलर हो। और यह बात दुनिया के बड़े बड़े जरीदों में भी रिपोर्ट हो चुकी है कि वसीम अकरम वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर इन क्रिकेट हिस्ट्री एवर। अगर वसीम अकरम की इब्तदाई जिंदगी में देखा जाए तो 1966 में पैदा हुए, लेकिन उनका इंटरनेशनल कैरियर 1985 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शुरू हुआ और उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में 10 विकेटें लेकर दुनिया क्रिकेट में यह अपना नाम का ढंका बजा दिया और दुनिया को बता दिया कि एक वन ऑफ द लेजेंड फास्ट बॉलर आने जा रहा है अगले दौर में। तो उसके बाद लेकिन उनका ओडीआई डेब्यू तो पहले हो चुका था 1984 में जहीर अब्बास की कप्तानी में, लेकिन अपने ओवाले करियर में वो बड़ा नाकाम भी हुए। उन्हें कॉलेज के ट्रायल में सिलेक्ट नहीं हुए, फिर वो जब गदाफी स्टेडियम में आए तो पहले 2 दिन उन्हें मौके ही नहीं मिला, तो तीसरे दिन उन्हें जावेद मियां दाद को उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया और वो पाकिस्तान टीम में विदाउट एनी डोमेस्टिक, उनका कोई बहुत ज्यादा करियर नहीं था, वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली लेट 80s, अगर 86 से 89 तक देखें तो ये वसीम अकरम का एरा कहा से जा सकता है। उन्होंने 100 से ज्यादा विकेट ली 3 सालों में और 22 की एवरेज के साथ उन्होंने हर दुनिया के मुल्क में जाके देखे, वर्ल्ड कप में देखे, वेस्ट इंडीज में देखे, इंडिया में देखे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन उनके करियर का एक मेन पॉइंट आया वो 92 का वर्ल्ड कप था। 92 के वर्ल्ड कप में थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बहुत अच्छे रहे, लेकिन उनकी फाइनल में कारकर्दगी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में बहुत एक अहम किरदार अदा किया। पहले उनकी बल्लेबाजी के थ्रू 19 बॉल्स में उन्होंने 33 रन किए और पाकिस्तान को 249 के एक रीजनेबल टोटल तक पहुंचाया वसीम अकरम ने। फिर जब वो बॉलिंग करने आए तो पहले उन्होंने हैंग बॉथम को आउट किया, देन ड्रिंक ब्रेक के बाद इमरान खान ने वसीम अकरम को बॉलिंग दी। वहां सारी टीम कह रही थी कि वसीम अकरम को बॉलिंग ना दें, इसके ओवर बचा के रखें आखिर में, लेकिन इमरान खान का वो डिसीजन काम कर गया और वहां उन्होंने अपनी रिवर्स स्विंग पर 2 गेंदों पर 2 विकेटें ली, एलन लैम को आउट किया और क्रिस लिविस को आउट किया और इस तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और मैन ऑफ द मैच भी रहे वसीम अकरम वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में। देन अगर उनका ये एरा उनका बड़ा कामयाब रहा, बकार यूनिस के साथ दोनों ने तकरीबन 1000 से ज्यादा विकेटें ली एक साथ मिलकर और गोरू ने इन पे रिवर्स स्विंग को वो चीटिंग कहते थे, वो अगर सीख जाए तो वो रिवर्स स्विंग है, वो एक आर्ट बन जाता है, अगर पाकिस्तानी करें तो वो जुर्म बन जाता है। तो ये एक चलता रहा उनके साथ, लेकिन 99 के वर्ल्ड कप में वो कप्तान भी थे, पाकिस्तान की टीम फाइनल में हार गई और बड़े बुरे तरीके से हारी, तकरीबन 30 ओवर रह गए थे और पाकिस्तान वो मैच हार गया। 2003 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने क़यादत की, वहाँ 6 मैचेस में 12 आउट किए, लेकिन उसके बाद उन्हें पाकिस्तान टीम से निकाल दिया गया और वहीं वसीम अकरम का करियर एट द एंड पहुंच गया। लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में लातादाद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। देखा जाए तो वो पहले बॉलर बने हिस्ट्री में जिसने ओडीआई क्रिकेट में 500 विकेट ली, उनके बाद मुरलीधरन दूसरे बॉलर बने, वो पहले बॉलर बने हिस्ट्री में जिन्होंने दोनों फॉर्मेट्स में 400 से ज्यादा विकेटें ली, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेटें ली 22 की एवरेज के साथ, वो नंबर 8 पर दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई शेखुपुरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ, इस इनिंग में उन्होंने 11 छक्के भी लगाए थे और 257 रन की इनिंग खेली थी, वो नंबर 8 पर ही सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले बैट्समैन भी बने, 357 बॉल्स खेली थी उन्होंने इसी इनिंग्स में, वो एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा ओडीआई में विकेट लेने वाले कैप्टन बने, 158 विकेटें ली उन्होंने, उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए 5 विकेट हॉल्स लिए, उसके बाद उन्होंने ओवरऑल तो बड़े उनके क्रेडेंशियल्स में उनके हॉल ऑफ फेम में वो शामिल हैं, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे 92 में, हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हैं, उसके बाद कई एक मवाकों में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक रिकॉर्ड उनका यह भी है कि वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर हैं ओडीआई क्रिकेट की तारीख में विदाउट 100, सबसे ज्यादा रन मिसबाह उल हक के 5000 कुछ रन हैं उनके, देन दूसरे नंबर पर वसीम अकरम है, यानी फिर उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अवार्ड दिया गया, सितारा इम्तियाज से भी उनको नवाजा गया, यानी थ्रू आउट द क्रिकेट कैरियर वो अपने अवार्ड्स ही अपने नाम करते रहे और बेशुमार उन्होंने, और एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड में उनको बताता चलूँ, एक क्रिकेट ग्राउंड में 100 से ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया, शारजा क्रिकेट मैदान में उन्होंने 122 विकेटें ली थी, तो यानी बड़ा एक रंगारंग करियर रहा उनका, कामयाबियों से भरपूर। लेकिन कोचिंग में जब वो आए तो पहले तो सौरभ गंगोली की यह ख्वाहिश थी कि वो इंडियन के बॉलिंग कोच बने, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन फिर वो जिस फ्रेंचाइज से सौरभ गंगोली खेले कोलकाता नाइट राइडर्स से, 2010 में वसीम अकरम उनके कोच बने, बॉलिंग कोच बने, मोहम्मद शमी हो गए, उमेश यादव हो गए, ये उनकी कोचिंग में रहे। देन अगर देखें तो पीएसएल में वो पहले सांबा यूनाइटेड के साथ एसोसिएट थे, फिर वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहे और रिसेंटली वो कराची किंग्स की टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और बहुत अच्छा काम करें, लेकिन इस बार कराची
बड़ा इस टाइम तक तो फंसा हुआ ही है। शायद जब आप वीडियो देखें तो पता नहीं उनके क्या हालात होंगे, क्या हालात नहीं होंगे, या बाहर हो चुके होंगे या कहीं ना कहीं अच्छे रीजन। लेकिन जिस तरह कराची क्रिकेट खेल रहा है वो डिजर्व नहीं करते आगे जाना। देन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद प्लेयर्स पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बहान, पाकिस्तान जिंदाबाद।